नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेयर नाइन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बीते 11 फरवरी को दिल्ली के चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें केजरीवाल की सरकार बनी और बीजेपी को हार मिली, तो वहीं कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। जी हां, बता दें आपको कि और इन सब में सभी नेताओं की बयानबाजी भी सामने आए। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश जन की बात से चलेगा, मन की बात से नहीं। जी हां, बता दें आपको कि यहां पर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हम देश प्रेमी और हमारा विरोध करने वाला देश विरोधी, ऐसा मानने वालों की करारी हार हुई है। वहीं जिस तरह से बात करें अगर दिल्ली चुनाव को लेकर, तो दिल्ली चुनाव में बता दें आपको कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जहां पर उन्होंने जीत के लिए कड़ी मेहनत की। जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी मेहनत यहां पर दिखाई, वहीं जन जन को जागरूक करने की भी कोशिश की गई, डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया गया, लेकिन बीजेपी को यहां पर हार मिली। बता दें आपको कि केजरीवाल की सरकार फिर से बनी। बता दें चले आपको कि दिल्ली चुनाव 8 फरवरी को हुआ था, जिसमें वोट डाले गए थे 8 फरवरी को, वहीं 11 फरवरी को नतीजे आए। नतीजों में बता दें आपको कि केजरीवाल की सरकार बनी। वही बताते चले आपको कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी सरकार पर जिस तरह से बोला कि दिल्ली चुनाव में तमाम महारथी को बीजेपी यहाँ पर उतारी, तमाम नेताओं को यहाँ पर उतारी, बड़े बड़े नेताओं को, जिससे कि दिल्ली में अपनी जगह बना सके, लेकिन यहाँ पर उन्हें करारी हार मिले। फिर चाहे कई बार ऐसा भी देखा गया कि बीजेपी के नेताओं ने बयानबाजी भी की, जहाँ पर उन्होंने विवादित बयान भी दिया, जिस तरह से प्रवेश वर्मा की बात की जाए, या फिर अनुराग ठाकुर की बात की जाए, या फिर कपिल मिश्रा की बात की जाए, तो जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो हार रही है वो इस तरह के बयानबाजी भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से शाहीन बाग को लेकर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर शाहीन बाग को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने बयान दिया था, वो ये भूल गए थे कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं वो भी दिल्ली की जनता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो शाहीन बाग को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ था, जहां पर बीजेपी ने सीए को मुद्दा बनाया, शाहीन बाग को मुद्दा बनाया, और शाहीन बाग के लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को लेकर जो बयान दिए थे, शायद बीजेपी ये भूल गई थी कि दिल्ली में के शाहीन बाग में जो बैठे हैं वो भी दिल्ली की जनता है, और उनको लेकर जो बयान दिए थे, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की हार की बड़ी वजह भी हो सकती है। वहीं खबर ये भी आ रही है सूत्रों के अनुसार कि केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। वहीं बता दें आपको कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे ने केजरीवाल का साथ दिया था। वहीं इंटरव्यू में जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा था कि केजरीवाल ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से आदर्श काम किया है, उसी तरह केंद्र को भी काम करने चाहिए, बजाय इसके कि जो सांसद उतारे जिन्होंने यहाँ पर कई तरह के विवादित बयान दिए, हिंदू मुस्लिम किया, और इसी के साथ ही जिस तरह से यहाँ पर जो विवादित बयान सामने आए, जहाँ पर आतंकवादी की बात हुई, यहाँ तक कि केजरीवाल को आतंकवादी भी बोला गया था, और इन सब को लेकर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी ने केजरीवाल को बधाइयां दी है, और अगर बात की जाए यहां पर चुनाव के नतीजे की, तो जहां पर बीजेपी को हार मिली है, तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। वैसे हार में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की सीट में बढ़ोतरी हुई है, वहीं केजरीवाल फिर से सरकार बनी है, और यहाँ पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि पूरी ताकत लगा दी यहाँ पर अपनी सत्ता बनाने के लिए, दिल्ली में सत्ता बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी को करारी हार मिली है। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि देश जन की बात मुझसे चलेगा, मन की बात से नहीं, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।